सो आज हमारे साथ हैं करिश्मा शर्मा. सो आई एम फ्रॉम बॉलीवुड क्रॉनिकल. आई एम अंजलि शुक्ला. आज हम आपके साथ स्मॉल इंटरव्यू और एक फन सेगमेंट करेंगे. ओके 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 ओके. तो आपका न्यू सॉन्ग सजा आने वाला है, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है, तो आप उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. दिसंबर में ये शूट किया था गाना और फाइनली अब जून हो रहा है. अब फाइनली वीडियो आउट हो चुका है ऑलरेडी. सुपर एक्साइटेड. अब टाइम नहीं मिला है देखने के लिए बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इंटरव्यूज बैक टू, बट सुपर एक्साइटेड, सुपर ओवरवेल्म्ड. और आई होप पीपल लाइक इट. आई एम श्योर यू गाइस विल. या ओके. तो ये सॉन्ग के शूटिंग के दौरान कोई ऐसा फन मोमेंट, कोई ऐसा मस्ती वाला मोमेंट जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहते हो? आई डोंट थिंक कि ऐसा एक मोमेंट था जहाँ पे आई डिडंट हैव फन. इट वॉज अ रियली फन सेट, राइट फ्रॉम द डायरेक्शन टीम, फ्रॉम द मेकअप आर्टिस्ट. हम अपने मेकअप रूम में बहुत, आई रिमेम्बर द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई हैड पुट लाइक अ मास्क. मैं सुबह सुबह 6 बजे ही डांस कर रही थी. सुपर एक्साइटेड. बहुत मजा आया था शूट करते हुए. सो नॉट वन मोमेंट आई कैन, आई थिंक एवरी मोमेंट वॉज सो मच फन, सो मच फन. बहुत कुछ मिला. एवरीबडी, आई लर्न अ लॉट ऑफ डांसिंग स्टेप्स. ओके. तो हैव यू एवर गेट प्रैंक्ड और प्रैंक्ड अदर ड्यूरिंग द शूटिंग फॉर दिस सॉन्ग? दिस सॉन्ग, सो टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वॉज वर्किंग विद सर एंड एवरीबडी ऑन दैट टीम. आई डोंट थिंक आई एम और एवरीबडी सच अ प्रैंकस्टर, क्योंकि पहले दिन अगर आप मिलते हैं तो आई डोंट थिंक कि पहले दिन ही आप किसी के साथ प्रैंक कर सकते हो. उस प्रैंक करने को थोड़े दिन तो लगते हैं. तो आई हैव नो, नॉट ऑन दिस शूट दैट आई प्रैंक्ड और आई गॉट प्रैंक्ड. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये शूटिंग के दौरान, ये सॉन्ग को शूट करते टाइम? उस टाइम पैंडेमिक था और टिप्स, यू नो, द प्रोडक्शन हाउस लुक लाइक वेरी गुड केयर. प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे. एवरीबडी वॉज वेयरिंग अ मास्क. सो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो, बींग एन एक्टर, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज नॉट वेयरिंग अ मास्क. वेरी राइट. But you know, that was taken care of so well. Everybody was wearing a mask. Everybody was using hand sanitizers. So, acha tha experience. That term, as I told you, was a great, great, big opportunity for me to work with it. So that was great. तो आपको ये song का offer कैसे मिला? So I had somebody reached out, like someone reached out to me on Instagram, and then we spoke on the. And the person sent me the song, and I, जब मैंने पहली बार गाना सुना था, मुझे अभी तक याद है goosebumps. और अभी भी मैं जब गाना सुनती हूँ मुझे goosebumps आते हैं. तो I was like, I am definitely doing this song because it was so good. Yeah. So how was your experience while working with Tip? क्योंकि Tip का production है और उसके through ये song release हो रहा है, तो आपका कैसे experience रहा है उनके साथ काम करने का? I think Tips ने कुछ बहुत ज़्यादा iconic गाने release किए हैं. Release किए. बेइंतहा. So working with Tips was like a big opportunity, and I was just like, wow, I'm gonna be working with like an iconic production house which does like such amazing work. So great experience. Production house was great. They took well care of me. Everybody was very, very nice on set. So one of the best production houses I've worked with. Okay. Lastly, आप अपने fans को ये songs के बारे में क्या कहना चाहोगे? I would say that everyone's gonna love Saza. It's a beautiful song. It's very soulful. It's gonna take you to a place with your lover. And with the video, you will see a lot of freshness. You'll see a lot of style, a lot of glamour. So please go watch it and show some love.